औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल तक जो काम हम कर रहे थे उसको यहाँ रोक लगाकर बोर्ड की जानिब से जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है उसको आइए पहले हल करते हैं, फिर इस पर्चे के हल कर लेने के बाद हम अपना जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टास्क है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टॉप व्हाट वी आर डूइंग रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हियर एंड लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन पेपर 1 व्हिच हैज बीन अपलोडेड बाय KSEE बोर्ड। KSEE मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 इन मैथमेटिक्स। पहला सवाल है, खती मसावातों 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 का जोड़ा अगर मुतवाजी हो तो k की कदर होगी। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y + 1 = 0 are parallel, then the value of k will be, options are 15/4, 3/2 5u and 4/15. So dear students, mathematics के साथ एक सबसे बड़ा problem मैंने आपको परसों बताया है कि ये है कि mathematics में जो सवाल दिया जाता है उसको जब तक आप हल नहीं करते, जब तक आप सॉल्व नहीं करते, यू विल नॉट बी गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर, तब तक आपको सही जवाब हासिल नहीं होता। ये सबसे बड़ी जो है ये दुश्वारी हमारे मैथमेटिक्स के साथ लगी हुई है। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस में अगर लाइंस पैरेलल हों तो के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो कैसे हम करेंगे? तो यहाँ पहले तीन चीज़ें हमको याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगयूरी खती मसावातों के जोड़े में मयारी और आम शक्ल क्या है वो हमारे जहन में होना चाहिए, एंड दैट इज a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 की कीमत b1/b2 की कीमत के मसावी नहीं होती तब जो है लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, खतूत जो हैं वो मुतकाते होते हैं, काते होते हैं, और जब खतूत मुतकाते होते हैं देर विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन देर विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो खतूत काते होंगे, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वहाँ वाहिद हल उस उन मसावातों का होगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तब खतूत जो हैं वो मंतबक होते हैं, द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, एक दूसरे पर इंतबाक करते हैं, एक दूसरे पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। अगर जब चढ़ जाते हैं, इन कोइंसिडेंट कोइंसाइड होते हैं तो देर विल बी मेनी सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई और मेनी सॉल्यूशन सेट यू विल बी गोइंग टू हैव। तो उस सूरत में अगर खतूत एक दूसरे पर मंतबक हों तो उन मसावातों का हल सेट बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, बहुत ज़्यादा हल वो मसावातें रखती हैं। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। अब थर्ड पॉइंट जो है, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2,
तब जो है लाइंस विल बी पैरेलल, एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द सेट हैज और द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अगर ऐसे होता है तब खतूत एक दूसरे के मुतवाजी होंगे। अब जब खतूत एक दूसरे के मुतवाजी होंगे तो कहीं जाकर कटा नहीं करेंगे। अब जब कटा नहीं करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम उमूद नहीं गिरा सकते, तो वहाँ वो मसावातें कोई हल नहीं रखती। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो इस मिसाल को या इस मिसाल को भी आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आओ सॉल्व करके जो है जो जवाब है उसको हम हासिल करेंगे। तो यहां ये इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा 3x3 कॉमा बी वन इज इक्वल टू y का सरे अददी द कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2k कॉमा सी वन इज इक्वल टू ये प्लस 2 को इधर शिफ्ट करना है माइनस टू देन ए टू इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x का जरीब 2 है 2 बी टू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 5 एंड सी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म मुस्तकल मिकदार 1। ये कीमतें पहले आपको लिखना है। अब यहां क्या कहा जा रहा है, मुतवाजी कहा जा रहा है। लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल मीन्स वॉट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ओके, इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, उधर हमको जाना नहीं है, वी शुड नॉट गो देयर। नाउ राइट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ये लिखने के बाद वैल्यूज पुट अप करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वन 3 अपॉन ए टूज वैल्यू 2 इज इक्वल टू बी वन वैल्यू 2k अपॉन बी टू की कीमत 5 है। तो यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कीमतें डाल दिए हैं, वैल्यूज को हमने पुट अप किया है, नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो 2k into 2 दैट इज 4k इज इक्वल टू 3 5s 15। तो 2k जरब दो दूनी चार के बराबर 3 5 15। 4k इज इक्वल टू 15, देयरफॉर k इज इक्वल टू 15, ये मल्टीप्लाई में है, उधर अपॉन में जाएगा 15 अपॉन k वैल्यू 15 अपॉन 4 k का वैल्यू हमको मिल रहा है। तो ये बी सी डी ऑप्शन में 15 अपॉन 4 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। तो इसका जो आंसर है दैट आंसर इज ए, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अगली मिसाल की तरफ आओ। अगला सवाल, मसावातों 2x-5y+4 = 0 और 2x+y-8 = 0 का जोड़ा रखता है, ठीक दो हल, लामहदूद हल, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x-5y+4 = 0 एंड 2x+y-8 = 0 हैज एग्जैक्टली टू सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ओनली वन सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। तो इस मिसाल को आप लोग कैसे करोगे, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। तो वैल्यू ऑफ ए वन जो है 2, वैल्यू ऑफ बी वन -5, वैल्यू ऑफ सी वन 4। ओके, देन ए टू की कीमत 2, बी टू की कीमत y इज कोएफिशिएंट 1, देन सी वन सी टू वैल्यू -8। अब यहां आपको ए वन अपॉन ए टू की कीमत और बी वन अपॉन बी टू की कीमत, सी वन अपॉन सी टू की कीमत को अलग से निकालना है। तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ओके, कॉमा या
वन अपॉन वन या इतना ही रखे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू बी वन माइनस फाइव अपॉन वन, सो दिस इज इक्वल टू वन, यू कैन ऑल्सो राइट हियर नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो ए वन अपॉन ए टू का वैल्यू वन आ रहा है और बी वन अपॉन बी टू का वैल्यू जो है वो माइनस फाइव आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं देन हमको C1 अपॉन C2 को भी फाइंड आउट करना पड़ता, ओके? अब चूंकि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आगे C1 अपॉन C2 वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि यहां A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वलिंग टू B1 अपॉन B2, ओके, ए वन अपॉन ए टू का वैल्यू वन है, बी वन अपॉन बी टू का वैल्यू माइनस फाइव है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। जब ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं तो इक्वल नहीं होने की वजह से लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्शन होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कटा करेंगे। जब खतूत एक दूसरे को कटा करेंगे तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वहां पर होगा, एक वाहिद हल वहां पर रहेगा। तो ठीक, दो हल, लामहदूद हल, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं। तो इसमें जो सही जवाब है वो सिर्फ एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहां पर आंसर आप लिखेंगे और आंसर में जो है वो अल्फाबेट सी है, तो ओ एम आर में आप सी को शेयर करेंगे। सो द थर्ड क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। एक्स और वाई की कदरें जो खती मसावात 2x नफी 3y बराबर 12 को मुतमईन करती हों। ऑप्शंस हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू प्लस 3। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये LHS में x एंड y का वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना है और वो वैल्यू 12 के इक्वल आता है या नहीं उसको देखना है। यानी x एंड y के वैल्यूज को यहां से पुट अप करके सॉल्व करने के बाद अगर LHS का वैल्यू 12 आता है, LHS की कीमत 12 आती है, तब जो है वो x और y की वो कीमतें इस मसावात को सेटिस्फाई करती हैं, मुतमईन करती हैं। तो अब यहाँ फर्स्ट ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पर करना होता है इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट अप करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, है ना, तो ये पूरा निकल गया तो फिर y का मतलब ही नहीं रहा, तो ये निकल जाएगा, ये ऑप्शन निकल जाएगा। नाउ कमिंग टू सेकंड ऑप्शन, x का वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4, है ना, उसके बाद x का वैल्यू, y का वैल्यू 3, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 9 विल बी माइनस 5, जबकि यहां 12 है, तो ये भी जो है ये ऑप्शन भी जाता रहेगा, ओके। नाउ कमिंग टू थर्ड ऑप्शन, x वैल्यू 3, x के जगह पर 3 को पुट अप करो, 3 2 जा 6, देन y वैल्यू इज माइनस 2, तो 3 2 जा 6, बट दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो 6 प्लस 6 12, सो 12 इज इक्वल टू 12। तो थर्ड ऑप्शन जो है इस एग्जाम्पल के लिए या इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है या दुरुस्त जो है वो हमारा ऑप्शन होगा। अब उसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला हिस्सा इसको तो छोड़ ही देंगे क्योंकि ये सी एक्स की जगह पर 0 रखने से पूरा 0 हो जाएगा, लिमिट इसको लेकर देखेंगे। बी एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन है, करेक्ट। तो 2 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x इज 2, ऑलराइट, माइनस 3 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y इज 3 इज इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 12, दो दूनी 4, 3 3 9, जमा 4 नफी 9,
प्लस फोर माइनस नाइन इज माइनस फाइव, माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व, सो दिस इज रॉन्ग, है ना। अब इसको तो मैंने किया, और सी को अब करेंगे, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू माइनस टू। इस तरह आपको हल करने के लिए काफी जगह दी गई होती है, वहां इसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर अपने आंसर को मालूम करके उसको जो है शेड करना होता है, ठीक है। तो उतना आसान नहीं है, मल्टीपल चॉइस दीगर मजामीन के इजी, दीगर सब्जेक्ट्स के, अदर सब्जेक्ट्स के इजी, लेकिन मैथमेटिक्स में अनलेस एंड अंटिल आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो इसको चेक करो अभी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x 3, माइनस 3 इंटू ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू RHS 12, ओके। 2 3 जा 6, 2 3 6, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये नफी मिलकर जमा हो जाएंगे, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 6 इज 12, 12 इज इक्वल टू 12, ये जो है करेक्ट है। तो हमारा इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, और वो जो है ए बी सी जहाँ रहता है उसको आपको शेयर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। खती मसावातों के जोड़े के लिहाज से इनमें गलत बयान, इन चारों में गलत बयान कौन सा है? ए खतूत मुतवाजी हों तो मसावातें हल नहीं रखती, बी खतूत एक दूसरे पर उमूद हों तो मसावातें हल नहीं रखती, सी खतूत मंतबक हों तो मसावातें लामहदूद हल रखती हैं, डी खतूत काते हों तो मसावातें सिर्फ एक हल रखती हैं। सो डियर स्टूडेंट, द फोर्थ क्वेश्चन इज रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर इक्वेशंस। ए इफ लाइंस आर पैरेलल इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, इफ लाइंस कोइंसाइड इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशंस, इफ लाइंस इंटरसेक्ट इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया है, पहला सवाल हल करते वक्त मैंने आपको बताया है कि ये तीन पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं, अगर लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो ये एक हल रहेगा, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग वन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन विल बी देयर, इफ लाइंस कोइंसाइड देन इट विल द सिस्टम विल हैव मेनी सॉल्यूशंस, इफ लाइंस पैरेलल देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अजीज बच्चों, अगर खतूत एक दूसरे को कटा करते हैं तो एक वाहिद हल रखेंगे, अगर खतूत एक दूसरे पर मंतबक होते हैं तो बहुत सारे हल रखेंगे, लामहदूद हल रखेंगे, अगर खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हैं तो कोई हल नहीं रखेंगे। ये तीन निकात आपको याद रखने हैं। अब इन तीन निकात में उमूद का, परपेंडिकुलर का कहीं जिक्र नहीं है, है ना, परपेंडिकुलर, तो उमूद का जब जिक्र नहीं है तो ये बी ऑप्शन जो है यहां पर ये गलत बयान है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दैट इज इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, बिकॉज देर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। परिचय का पांचवा सवाल है, हिसाबी तसाउद माइनस थ्री माइनस वन वन थ्री डैश डैश का दसवां रुकन होगा, द टेंथ टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन माइनस माइनस थ्री माइनस वन वन थ्री सो ऑन इज 20 माइनस 21 माइनस 15 15। तो इसको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, हल नहीं करोगे, विल नॉट बी गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो यहाँ हमको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी फॉर्मूला अप्लाई करके, इस्तेमाल करके जवाब को लाना है। अगर एक पुराने पैटर्न में सवाल होता, अगर आप पुराने पैटर्न में इम्तहान दे रहे होते तो इस तरह का सवाल दो मार्क्स के लिए आता, अब यहाँ एक मार्क्स के लिए आ रहा है, तो ये हमारी कम नसीबी है मैथमेटिक्स वालों की। आइए सॉल्व करेंगे, ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी, करेक्ट है,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए टेन इज इक्वल टू ए प्लस टेन माइनस वन इन टू डी, टेन माइनस वन इज नाइन, नाइन डी, एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज माइनस थ्री पहला रुकन प्लस नाइन एज इट इज इन टू ब्रैकेट डी का वैल्यू लिखना है तो डी थ्री माइनस वन आम फर्क कॉमन डिफरेंस तीन में से एक को नफी करेंगे तो थ्री माइनस वन विल बी टू, तो टू यहां पर पुट अप करो एंड दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस नौ दोनी अठारह, तो माइनस थ्री प्लस एटीन विल बी फिफ्टीन, तो फिफ्टीन जो है वो दसवां रुकन या टेंथ टर्म आ रहा है और यहां फिफ्टीन जो है यहां है, तो लिहाजा आवर आंसर हियर इज डी। ओके, छठे सवाल की तरफ चलो। एपी का यनवा रुकन ए एन इज इक्वल टू सेवन माइनस फोर एन हो तो मुश्तरिक फर्क होगा, इफ द यंथ टर्म ऑफ एपी इज ए एन इज इक्वल टू सेवन माइनस फोर एन देन सी डी विल बी फोर माइनस फोर थ्री और माइनस थ्री, तो यहां भी आपको सॉल्व करना है, आम फर्क पूछ रहा है तो यहां ए वन और ए टू के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और ए टू के वैल्यू में से ए वन के वैल्यू या कीमत को तफरीक करेंगे माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू हमको हासिल होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ, ए वन इज इक्वल टू ए सेवन, सेवन है ना, सेवन माइनस फोर इंटू वन, ओके, ए एन इज इक्वल टू सेवन माइनस फोर एन है, सो दिस इज इक्वल टू सेवन माइनस चार इक्के चार इज इक्वल टू सेवन माइनस फोर इज थ्री, तो ए वन का वैल्यू थ्री आ रहा है। अब ए टू का वैल्यू फाइंड आउट करो, ए टू इज इक्वल टू अगेन सेवन माइनस फोर एन, फोर इंटू ब्रैकेट टू, इन प्लेस ऑफ एन यू आर गोइंग टू राइट टू, आप एन के जगह पर दो लिखोगे, बराबर सेवन माइनस चार दूनी आठ इज इक्वल टू प्लस सेवन माइनस एट इज माइनस वन। अब आप डी को फाइंड आउट कर सकते हो, तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए टू इज माइनस वन माइनस ए वन इज थ्री, तो माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर, तो ये फोर है बी माइनस फोर यहां है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है, तो आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके, आइए सातवें सवाल की तरफ चलेंगे। एदाद 4ab28 अगर एपी में हो तो बी की कद्र होगी, इफ 4a b28 आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन वैल्यू ऑफ बी इज आइदर 20 और 19 और 23 और 12, तो अब इसको जो है ट्रायल एंड एरर बेसिस पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो बी के जगह पर हम 20 रखकर देखते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, 28 पहले लिखो उसके बाद B के जगह पर 20 लिखो, उसके बाद 28 और 20 का डिफरेंस कितना है 8 है, तो 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12 मिलेगा, देन द वैल्यू ऑफ A विल बी 12 और उसके बगल में जो है आप 4 लिखोगे, ठीक है यहां तक, तो अब इन दोनों का डिफरेंस इक्वल है या नहीं चेक करो, तो चार में आठ जमा करेंगे तो 12 आएगा, तो एट इज कॉमन डिफरेंस, 12 में एट ऐड करोगे 20 आएगा, यहां भी एट कॉमन डिफरेंस, 20 में एट ऐड करोगे 28 आएगा, यहां भी कॉमन डिफरेंस एट है, तो थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस मुश्तरिक फर्क जो है वो आठ आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो लिहाजा यहां ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है या राइट आंसर है, तो बी का वैल्यू जो है इसमें 20 होगा। अगर आप चाहो तो एक और अगला एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, 28 लिखेंगे, 28 के बगल में बी के जगह 19 लिखेंगे, 28 और 19 का डिफरेंस जो है वो कितना है 8, 9 है, 9 डिफरेंस है, तो 19 में से 9 अगर माइनस करोगे तो 10 बचेगा, फिर यहां पर 4 है, करेक्ट है, तो इस हिसाब से ए का वैल्यू 10 आ रहा है। अब फर्क देखो, 4 में 6 ऐड करोगे तो 10 आता है, 10 में 9 ऐड करोगे तो 19 आता है,
19 में 9 ऐड करोगे तो 28 आता है, तो यहाँ फर्क 6 है, यहाँ 9 है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो उसी तरह जो है अगले भी दो एग्जाम्पल आप इस तरह करके देख सकते हो, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। आइए आठवें सवाल की तरफ चलते हैं, लेट अस शिफ्ट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। दो एपीज का मुश्तरिक फर्क मसावी है, पहले एपी का पहला रुकन 3 और दूसरे एपी का पहला रुकन 8 हो तो दोनों एपी का के तीसरे रुकन का फर्क होगा। इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज इज सेम इक्वल, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज 3 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज 8, देन डिफरेंस बिटवीन देयर थर्ड टर्म इज 2, 3, 4 और 5, अनलेस यू सॉल्व दिस आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यहां भी आपको इसको हल करना है, तो ए 3 ले ली, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, करेक्ट है। जब ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d हम लिखते हैं तो ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, तो दैट इज इक्वल टू ये कितना है, पहले एपी का 3 है, 3 प्लस 2d, ओके। फिर उसके बाद ए 3 इज इक्वल टू, अब दूसरी एपी के लिए लिखो ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d अगेन, ओके। तो ये सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म 8 है तो 8 प्लस 2d, यहां तक ठीक है, ओके। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो d को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 8 प्लस 2d में से 3 प्लस 2d को माइनस करोगे तो 2d कैंसिल हो जाएंगे और a का वैल्यू आपको मिलेगा, या डिफरेंस दोनों में डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है ना, फर्क पूछ रहा है, तो इसमें से इसको आप क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो 8 प्लस 2d माइनस 3, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर अगेन माइनस हो जाएगा, तो प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल होंगे, 8 माइनस 3 जो है वो 5 होगा, तो 5 ऑप्शन जो है यहाँ पर डी ऑप्शन है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी होगा।